तो अभी मैं नीचे आया हुआ था और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारा प्यारा रियो जो है वो लॉलीपॉप खा रहा है। ये पता नहीं इसको किसने दे दिया, नवीद ने दिए होगा। और ये देखे कितने मज़े से, जैसे इंसान पकड़ते हैं ना अपने हाथ में लॉलीपॉप, और ये उसको खा रहा है कब से मज़े से। अभी मिट्ठू आकर इससे लेने की कोशिश कर रहा था और इसने मिट्ठू को लॉलीपॉप नहीं दिया, और ख़ुद साइड पर जाके अब मज़े से लॉलीपॉप खा रहा है। और कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, एक तो इसका कलर वाइट, ऊपर से लॉलीपॉप खाते हुए ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको देख देख कर माशाल्लाह से। तो अभी मैं रूम में आया और मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा फिशर का पैर जो है वो केज से बाहर निकला हुआ और केज के ऊपर आराम से बैठा हुआ है और नीचे वाले मेल के साथ लड़ रहा है। और यहाँ मैंने ये जो बॉक्स का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और ये बाहर घूम रहे हैं। ये देखें, ये अक्सर अच्छा यही निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते, बाकी कोई भी आज तक इस तरह नहीं निकला। ये दोनों अक्सर केज से निकल जाते हैं, कभी इनका दरवाज़ा खुला रह जाता है तो ये निकल जाते हैं, और कभी जो है आज इनके बॉक्स का आई थिंक दरवाज़ा जो है मैंने लॉक नहीं किया था तो इन्होंने मुंह वगैरह मारा होगा तो ये निकल आए। तो अभी मैं लाइट्स वगैरह बंद करके इनको पकड़ लूँगा, इनके केज में डाल देता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाले पैर को तंग कर रहे हैं, बार बार उसके पास जाते हैं। ये देखें, ये ओह मैं बंद कर देता हूँ इनको, इनको चोट वोट ना लग जाए। ये देखें, तो ये नीचे बैठ के मैं लाइट्स ऑफ करके इनको पकड़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो पेपर्स की वजह से मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं इन बर्तन को साफ़ करके इसमें नया दाना डाल दूँ, और इसमें उसी तरह वो गीला दाना ही पड़ा है जो पिछले दिन बारिश की वजह से गीला हो गया था इसमें भी, और जो दूसरा है उसमें भी गीला ही दाना पड़ा हुआ है अभी तक। तो अभी तक टाइम नहीं मिला, तो कल पेपर ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं इनको साफ़ करके इनमें नया दाना डाल दूँगा। अभी फ़िलहाल हमने नीचे जाना है और नीचे वाले परिंदों का दोपहर का खाना उनको देना है, सुबह मैंने दे दिया था तो अभी चेंज करना है उनका खाना, क्योंकि सुबह वाला जो है वो अब तक गंदा हो चुका होगा और ज़रूरी होता है उनका खाना चेंज करना दोपहर को, तो अभी जाके उनका खाना चेंज करना है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो लगभग मैंने उनकी केज में बंद कर दिए, नीचे बड़ी मुश्किल से पकड़े थे, तो दोबारा लाइट बंद होने की वजह से भी हो गए थे। हमें डर था कि उनको चोट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होगा और कहीं साइड वाइड पे लग गया तो उनको चोट लग सकती है। तो फिर मैंने आराम से पकड़ा उनको, अब उनके केज में डाल दिए और अब भी इनका खाना चेंज करना और केज की हालत दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें कितना गंद पड़ हुआ है, सबसे ज़्यादा गंद जो है ये तीनों मचाते हैं। ये देखें, अच्छा ये देखें अभी इनके नीचे कितना गंद पड़ा है, इधर देखें, इन्होंने थोड़ा सा गंद की हुए, मतलब ना होने के बराबर इनका गंद होता है, और उसके बाद ये बहुत गंद बनाते हैं ये वाले। एक तो ये देखें कैची क्या हालत की हुई है इन्होंने, लेकिन मसला ये भी है कि तीन दिन हो चुके हैं मैंने केज को साफ़ नहीं किया पेपर्स की वजह से, तो अभी पेपर्स ख़त्म होंगे तो तभी इनका केज साफ़ होगा, काफ़ी गंदा है लेकिन मजबूरी है। लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे फ़र्स्ट काम यही करना है कि इनका केज साफ़ करना है। केज साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है वरना आपके पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं। तो अगर आपने पाले हुए हैं तो कोशिश किया करें कि डेली उनका केज साफ़ कर दिया करें, एक तो इतना गंदा नहीं होगा, दूसरा आपके पेरेंट्स बीमार नहीं होंगे। जो लबर्ड की फ़ीमेल है हमेशा की तरह अंदर ही बैठी हुई है, मेल भी अंदर ही बैठा हुआ है, दोनों ना बच्चे के पास ही बैठे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं खा पी कर फिर अंदर चले जाते हैं, और ये अभी तक अकेला ही है, और ये तब तक अकेला रहेगा जब तक वो फीमेल बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, उसके सर पे सारे बाल नहीं आ जाते। उसको मैंने कल दोबारा भी छोड़ा था पर ये अभी भी उसे मार रहा है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हम उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इस क्योंकि अगर हमने छोड़ा तो उस पर सख्ती आ जाएगी। और यहाँ पे ये दोनों नवाबजादे बैठे हैं अपना दूसरा अंडा भी तोड़ के, तो इनका ये बॉक्स चेंज करना है मैंने, सेम उस तरह लेकर आना है जो वो वाला लगा हुआ है बड़ा वाला, ये वाला बॉक्स ही सही नहीं है। तो ये भी पेपर्स के बाद परसों में ले आऊँगा,
तो उस तरह बॉक्स इनको लगा के देंगे तो ये उसमें अच्छे से ब्रीड कर लेंगे, क्योंकि इसमें ये जो नेस्ट है वो ही चेंज करते रहते हैं। वो बड़ा बॉक्स है ना, तो जिस तरह उनका नेस्ट बना हुआ है तो ये उस तरह बना लेंगे। अभी इनको देना है जूस, इनकी जूस का टाइम हो गया और ये यहाँ पे इसीलिए आ गया कि इसको पता है कि अभी निकालना है इसने और जूस डालना है और इसने साथ जाना होता है। पता नहीं क्यों, शायद कंपनी देता है मुझे कि जूस डालते हुए मैं कहीं बोर ना हो जाऊं तो ये कंपनी दे रहा होता है। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ इसे, ये देखें ये आके मेरे पास बैठ के, तो ये यूं ही अब मेरे साथ बैठा रहेगा और देखता रहेगा। अच्छा देखें उसी तरफ देख रहे, जिधर जूस पड़ा होता है ना इनका, उसी तरफ देख रहे मुझे के बताने की कोशिश कर रहा होगा कि वो जूस पड़ा है, चलो उसे डालो, बातें बाद में करना। फिर डाल देते हैं इसमें जूस और इसको देखें, इसको देखें भाई, तेरे लिए डाल रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो यहाँ पे रखते हैं और इसको डालते हैं, इतना काफ़ी है, फिर हमें ज़ाया करते हैं। अंदर क्या देख रहे हो? अच्छा बोतल के अंदर देख रहे, चलो चलो ये देखें, अभी इसके साथ ही अंदर जाएगा, वैसे ही अंदर नहीं जाता। तो ये रख के दे दिए ना, अभी फीमेल को भी बुलाएगा, फीमेल भी आ जाएगी और दोनों फिर मज़े से पियेंगे, खुद भी ऊपर चला गया। अच्छा उसे कहा है कि नीचे क्यों नहीं आई जब मैं बुला रहा हूँ, तो अभी वो भी आएगी और फिर दोनों आराम से पियेंगे। ये देखें इनकी मस्ती चेक करें, ये देखें अब आ जाएंगे, अब दोनों आ जाएंगे। अभी अपनी जूस पियेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। इतनी मस्ती करते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूँ ना पेरेंट्स में सबसे एक्सपेंसिव ये होंगे। वजह उनकी क्या है, मतलब खाने के लिहाज से, एक तो ये जूस के अलावा नहीं पीते, ये इनको सीड मैंने 3 दिन पहले डाला था और ये देखें उसी तरह पड़ा है, इन्होंने ज़्यादा नहीं खाया। इसके मुकाबले मैंने इनको अभी सुबह डाला था और ये तकरीबन वो खा चुके हैं। तो ये सीड वगैरह नहीं खाते, जूस पीते हैं, ठीक है, शहद खाते हैं, बाकी फ्रूट्स वगैरह भी बहुत कम खाते हैं। मतलब फ्रूट्स में भी आप अगर इनको जूस दोगे उनका तो पियेंगे, वरना नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा ख़र्चा करने वाले जो हैं अभी इस वक्त मेरे पास, वो ये इनका सबसे ज़्यादा खर्चा है, बाकी को कोई ख़र्चे नहीं है। तो अब जल्दी से फिर अंडे भी दे दो, इतना ख़र्चा करते हो तो इंशाल्लाह इनके जब अंडे आएंगे तो इनके बच्चों को भी हम टाइम करेंगे। और ये मुझे लगता है ना जो आज तक मैंने टाइम किए हैं ना उसमें सबसे मज़ा मुझे इसमें आएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं आपके साथ। आपने इनको देखा होगा, ये भी हालांकि मेरे पास बड़े भी नहीं हुए, कितना फ्रेंडली है। मैं इसका केज खोलता हूँ, मेरे साथ बाहर चला जाता है, मुझे छोड़ के आता है वहाँ तक, जब तक मैं इनको खाना नहीं डाल के देता हूँ उतरता नहीं है, जब खाना डाल देता हूँ फिर ये उतर जाता है, अपने केज में चला जाता है। ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं तो इनके बच्चों को भी टेम करने का बहुत मज़ा आएगा। और इन्होंने हर टाइम शोर मचाया होता है, जिस टाइम मुझे देख लेना तो बस इन्हें बाहर आना है, और कुछ इनका काम नहीं है। ये कहते हैं कि हम हर वक्त बाहर फिरते हैं, तो अभी भाई यूँ नहीं होता, हर टाइम कैसे बाहर घूम सकते हो, सारे डिस्टर्ब होते हैं तुम्हारी वजह से। ये देखें ये नीचे चिंकी और ये चेरी, चिंकी बहुत अच्छी है, इसने कल मिट्टू के साथ दोस्ती भी की है, तो ये बहुत अच्छी है और ये अच्छा, इसको पकड़ना भी मुश्किल नहीं होता। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, थोड़ा बहुत उड़ के आके मेरे सर पे बैठ जाती है, इधर केज के ऊपर बैठ जाती है और इसको पकड़ना सबसे आसान होता है। सबसे मुश्किल जब इनको बाहर निकालता हूँ उसमें पकड़ना जो होता है वो इस चार्ली को होता है, क्योंकि ये अब पकड़ा ही नहीं देता, ये वाइल्ड होता जा रहा है। लेकिन ठीक है, इसके साथ हमने फीमेल लेकर आनी है तो इनका भी पैर पूरा करेंगे कुछ दिनों तक या महीने तक, हम इसकी फ़ीमेल ले आएंगे, क्योंकि अभी इसकी एज कम है तो ज़रूरत है भी नहीं इतनी जल्दी फ़ीमेल लाने की ना। तो थोड़ी सी एज इसकी ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके लिए फ़ीमेल ले आएंगे। अभी तो ये तीनों दोस्त हैं और मैं तीनों को अलग नहीं करना चाहता। अच्छा अभी मैं इनको सीट चेंज करके देता हूँ,
फिर मैं बोलूँगा नहीं, फिर आप चेक करना। जब ये खा रहे होंगे ना, इन्होंने ख़ुद नहीं खाना, एक दूसरे से छीन के मतलब लड़के ही खाते हैं। अच्छा, दूसरा वही चीज़ खा रहा होगा लेकिन दूसरे के मुंह से लेके खाएगा, नीचे से नहीं खाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, तस्वीर में चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये है, तो लड़े रहेंगे यूँ ही। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।